स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे चैनल कोमल विलेज कुकीज में। आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ लौकी वाली दाल, चावल और आलू की सूखी सब्जी। तो मैंने यहाँ पर ना एक छोटी साइज की लौकी लिए थे, जिसको जो है आधा काट लिए हैं। हम इसका आधा ही यूज करेंगे। आप अपने रिकॉर्डिंग ले सकते हैं और फिर हम इसको छिलनी की मदद से अच्छे से छील लेंगे और फिर इसको अच्छे से धो लेंगे। और फिर ना हम इसको जो है एकदम महीन महीन पतला पतला काट लेंगे। और इसका दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और प्रोटीन से भरपूर रहता है। तो मैं इसको जो है चनों के दाल में बनाने वाली हूँ। आप कोई भी दाल ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। और फिर यहाँ पर जो है मैंने सारे लौकी को काट लिए हैं और कुकर ले लिए हैं, और कुकर में सारा लौकी को डाल देंगे। और फिर ये चनों का दाल ना मैं आधा घंटा पहले ही भिंगो कर रख दी थी। दो तीन पानी से धुल के रखे हुए थे, लेकिन फिर एक बार अच्छे से धो लेते हैं जो पानी में हम भिंगा करके रखे थे। और फिर सारा चना का दाल हम डाल देंगे लौकी में। और मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जो है चना का दाल लिए थे। और फिर इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और फिर हल्दी का पाउडर डालेंगे। और अभी कुछ ज़्यादा मसाला नहीं जाता है इसमें, और इसमें मतलब कि ज़्यादा मसाला नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो फिर इसमें जो है पानी डाल देंगे और बस थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब रिफाइंड तेल, और इसमें बहुत कम तेल भी लगता है। और फिर इसको ढक्कन बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इसको रख दिए हैं पकने के लिए। इंडक्शन को जला लिए हैं और हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक उधर हमारा जो है दाल पक रहा है, तब तक यहाँ पर हम उसका तड़का जो लगाएंगे उसका तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, इसको एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। तो इतना सारा प्याज हम जो है तड़का में यूज नहीं करेंगे, कम ही करेंगे, मतलब कि एक तड़का में करेंगे और एक सब्जी में। तो मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को काट करके रख लिए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए लहसुन छील रहे हैं, और साथ में ना एक लहसुन को 2-3 टुकड़ों में कट भी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद अब मैं सब्जी के लिए आलू छील रही हूँ। तो मैं जो है आलू का भुजिया बनाने वाली हूँ, तो छील के थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो फिर छील के और फिर जो है एकदम महीन महीन जो हम इसको काट लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर एक कटोरा में ना पानी लेकर रखे हैं, ताकि हमारा आलू काट के इसी में रखते जाएंगे, काला ना पड़े, नहीं तो फिर आलू काट के रखने के बाद जो है काला पड़ जाता है, तो इसीलिए पानी में रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने हमें सब्जी की ज़रूरत थी उतना हमने काट लिए हैं। और फिर इसको अच्छे से धुल के और उसी थाली में रख देंगे जिसमें हम लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सारा कुछ रखे हुए हैं। तब ये सारा कुछ हो गया है, तो अब हम जो है चलिए आगे की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चावल बनाऊंगी। तो चावल को हमने पहले से ही धुल करके रख लिए हैं। आप कुकर में सारे चावल को डाल देंगे, और फिर चावल को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जितना हम चावल लिए थे बस उसका डबल पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा चावल लिए थे, तो यहाँ पर 2 गिलास और थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं। और फिर इसका कुकर का जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे। और फिर देखिए उधर गैस भी हमने जला लिए हैं, और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि 1 सीटी आ जाए, और फुल हाई फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। चावल बनके रेडी हो गया है, तो अब बनाएंगे भुजिया। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने 1 चम्मच के करीब रिफाइंड तेल डाल दिए थे, सूखी मिर्च और करी पत्ता डाल के छौंक लगा लिए हैं। और फिर जो प्याज हमने काटे थे ना उसका आधा प्याज जो हमें सब्जी में डाली हूँ
और थोड़ा सा प्याज को भुनने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के और फिर थोड़ा सा जो है हम इसको भून लिए थे, और फिर इसको इसमें आलू डाल के अच्छे से मिला देंगे और फिर इसको जो है हम ढक देंगे और 2-3 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो देखिए मैंने जो है इसको 2-3 मिनट पका लिए हैं। अब इसको जो है फिर से हम ढक देंगे, उससे पहले हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इसी तरीके से चलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी मसाला नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और देखिए इधर जो है हमारा दाल भी पकड़ के रेडी हो गया था, तो फिर मैंने जो है उसको थोड़ा सा जो होता है मैश करने वाला उससे चला दिए थे। तो फिर यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैंने राई, लहसुन, जीरा और जो है कड़ी पत्ता डाल दिए थे। वो सारा जब अच्छे से भुना गया तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं, प्याज भी अच्छे से भुना गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा मसाला काली मिर्च और जो है जीरा का पाउडर डाले हैं, और इसको थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी जो है दाल डाल दिए हैं। अगर आप जो है इसे गाढ़ा पसंद करते हैं तो गाढ़ा बना सकते हैं, या फिर पतला पसंद करते हैं तो पानी गर्म करके डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। दाल को डालने के बाद हम इसको ढक दिए थे और फिर उसके बाद एक उबाल आ गया है तो मैंने इसमें कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल दिए हैं, इसे बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो फिर से हम इसको ढक देंगे और 2 मिनट तक और पकाएंगे, और फिर अब हम जो है इंडक्शन जिस पे हम चढ़ाए हैं उसको बंद कर देंगे और बहुत टेस्टी लगता है। सिर्फ 2 चम्मच तेल में बन करके रेडी हो जाता है, तो कोई भी खा सकता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए इधर हमारा भुजिया भी बन करके रेडी है, लेकिन अभी हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती ताकि और हमारा सब्जी जो है ज़्यादा स्वादिष्ट लगे खाने में। और कोई भी मसाला नहीं डाले हैं, पर इस तरीके से बनाएंगे नहीं तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऐसा टेस्टी लगता है खाने में। तो फिर मैंने इस 1 मिनट और पका लिया और देखिए हमारे सारे खाना बनके रेडी हो चुका है, हेल्दी और कम तेलों में बनने वाला लंच। तो अब मैं अपने 3 बच्चों को खाना दे दूंगी, क्योंकि जो है टाइम भी काफ़ी हो गए हैं, 1:30 बज गए हैं और ये लोग स्कूल से आ गए हैं खाना खाने के लिए, पास में ही स्कूल है। तो आप लोग भी आ जाइए हैप्पी हेल्दी लंच करने के लिए, प्रोटीन से भरपूर और बहुत कम तेलों में मैंने ये बनाया है, बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक।